अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में ड्राइंग एल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है जो हम पेंट्स या वार्निशेस में यूज़ करते हैं एज अ बाइंडर, उसके बारे में कि ड्राइंग एल होता क्या है और इसको आप बनाते कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। तो ड्राइंग एल एक्चुअली ये हमारे पास फैटी वेजिटेबल्स होता है, फैटी वेजिटेबल ऑयल होता है जिसको हम फ्यूजन की प्रेसेंस में, फ्यूजन और एयर की प्रेसेंस में हम केमिकल रिएक्ट करवाते हैं। तो जो है दिस इज़ अ 1-टेट्राडीकीन, ये एक 1-टेट्राडीकीन की एक क्लास है जिसमें जिसको हम एज अ बाइंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें लाइक पेंट्स हो गया, वार्निश हो गया और ड्राइंग प्रोसेस में इसकी जो हेल्प कर होता है ये हमारी, यानी जब हम पेंट करते हैं घरों में, बिल्डिंग्स में, दीवारों पे पेंट्स कर रहे होते हैं तो उसको एज अ उसी पेंट को ड्राई करने में ये हेल्प आउट करता है और बाइंडर के तौर पे काम करता है ताकि वही जो आपका पेंट है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म लास्टिंग हो, काफ़ी देर तक रहे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो है C14H28 है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अब इसको बनाते, इसकी सेलेक्ट कैपेसिटी किस तरह बनाएंगे, कैपेसिटी कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 1 टेट्राडीकेन जो है न्यूएस ओलिगोमर्स है, इसको इससे प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग मॉडिफाइड ज़ीगलर प्रोसेस से। इसकी जो प्रोडक्शन है वो दैट इज़ 99% पॉलीफिनिक विद एनुअल प्रोडक्शन रेट ऑफ 30,000 मेट्रिक टन, यानी ये इसकी अब तक इतनी प्रोडक्शन है, 33,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है जिसको ज़ीगलर प्रोसेस से बनाया जा रहा है। प्लांट कैपेसिटी जो हमारे पास जापान में जो इसका प्लान लगा हुआ है दैट इज 30 टन मेट्रिक टन कैपेसिटी पे चल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स एंड जो वार्निशेस हैं उनकी 102,707 टन जो है ये 2022 में एक्सपेक्टेड है, इतनी प्रोडक्शन इसकी हो जाएगी। और बिकॉज 30% ड्राइंग ऑयल इज यूज एंड पेंट्स, जितना भी आप प्रोड्यूस करते हो उसका 30% पेंट्स में यूज़ करते हो, वार्निश में यूज़ करते हो, तो इतनी इसका जो है हमारे पास जो कैपेसिटी बनेगी, इस कैपेसिटी का 30% जब निकालते हो तो दैट बिकम 30,000 टन पर एनम विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द पाकिस्तान रिक्वायरमेंट।